हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीना के संग रहे हैं, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो आप लोगों का एक और ब्लॉग में, अयोध्या के ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों ये है हमारा होटल रूम। होटल में ये हमारी बालकनी है जहाँ हम खड़े हैं। पीछे का व्यू आप देख ही रहे हो, बिल्कुल प्यारा सा व्यू है पीछे। तो मेरे पीछे चैतन्य, आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग बोलो। मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चैतन्य भी नहा चुकी है। और ये रहा हमारा रूम ये रहा। और ये बैल्कनी है। तो बैल्कनी से मैं आपको यहाँ पे, आप देखो ये बार्स हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पीछे बार्स हैं, मतलब ये जाली लगी हुई है। तो यहाँ पे जाली हर जगह आपको मिलेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे इतने बंदर हैं कि यहाँ पे सब लोगों ने हर चीज़ को कवर किया हुआ ताकि बंदर अंदर ना आ पाए, ज़्यादा नुकसान ना कर पाए। तो ये है हमारा रूम। रूम मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत मैसी हो रखा है क्योंकि अभी हम नहाए धोए हैं, रेडी हुए हैं, तो काफ़ी मैसी हो रखा है रूम। तो आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। देखिए ये है यहाँ का प्यारा सा रूम। यहाँ पे बेलेटी हुई है चैतन्या, थोड़े से कपड़े उपड़े फैले हुए हैं। और ये है हम टीवी, ये है कबर्ड, यहाँ पे है तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल। तो फ्रेंड ये है हमारा होटल जो हमने बुक कराया है। ब्यूटीफुल सा ये होटल है जो हमने बुक कराया है। ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल है रूम, तो मैंने आपको दिखा दिया था। एसी, नॉन एसी, हर तरह के यहाँ पे जो है रूम मिल जाते हैं। और पापा देखो चैतन्य के बालों में फ्लावर लगा रहे हैं। तो ये है जो फ्रेंड्स ब्यूटीफुल सा हमारा होटल जो हमने बुक कराया है। और ये देखो पापा ने मेरे बालों में ये फूल भी लगा दिया है। और ये है चैतन्य ने लगाया कि पापा ने लगाया है? अच्छा चैतन्य ने लगाया, पापा ने नहीं लगाया। चैतन्य ने जो है, चैतन्य ने मेरे बालों में लगा दिया। और पापा भी पीछे अपना व्लॉग बना रहे हैं लगे हुए। तो हम लोग, ये है हमारा ब्यूटीफुल सा होटल, इसका नाम है साकेत होटल। मस्त है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने ये साकेत होटल है। बहुत ही काम एंड कूल प्लेस है। बाकी आप अंदर तक जाओगे तो वहाँ पर बहुत क्राउडेड है, भीड़ है, शोर है, तो वहाँ नहीं जाना है, आना है शांति में। तो मैं यहाँ इसलिए आए रुके हम लोग के बिल्कुल शांति, जैसे आप देख रहे हो ना, एकदम शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो हमें ऐसी ही जगह चाहिए थी जहाँ पे हम स्टे करें, क्योंकि आगे मेन मंदिर के पास भी बहुत होटल है। ये देखो बर्ड का साउंड भी आ रहा है। तो ये देखो ये चैतन्य की चॉइस थी, चैतन्य को यहाँ अच्छा लगा इसलिए हमने यहाँ स्टे किया है ना। रीज़न क्या था यहाँ स्टे करने का? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और बिल्कुल काम प्लेस है, बिल्कुल भी शोर नहीं है। और बिल्कुल सामने हमारे रेलवे स्टेशन है, आपको दिखा देती हूँ। ये होटल रहा और बिल्कुल सामने देखो, मैं दिखाती हूँ, ये होटल है हमारा साकेत होटल। और ये रहा पीछे रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है अजर, इसके पीछे है होटल। तो दोस्तों अब साकेत होटल से मैंने चेकआउट कर लिया है। और हमारी जो बस इंटरसिटी है जो दिल्ली जाएगी हमें लेके, वो 2 घंटे बाद है। तो तब तक हम 2 घंटे के लिए अयोध्या को फिर से घूमेंगे। आप भी हमारे साथ चलिए और कोई अच्छा प्लेस नज़र आएगा तो उसको भी आपको विज़िट कराएंगे। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ गए थे अपने होटल में, हमने स्टे भी कर लिया था, पर 1-2 घंटे हमारे बचे हुए थे क्योंकि हम चेकआउट कर गए थे, पर हमारे 1-2 घंटे बचे हुए थे। तो हमने कहा चलो जी 1-2 घंटे हम कहीं घूम लेते हैं। उसी बीच मुझे एक ये मंदिर दिखा जो कि है बिरला मंदिर। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली में भी बिरला मंदिर है और यहाँ पर भी बिरला मंदिर है। तो देखिए ये रहा मेरे पीछे, और इतना खूबसूरत, इतना शांत, इतना बढ़िया ये मंदिर मुझे लगा। और स्टे करने के लिए भी A1 जगह है, पहले मुझे पता नहीं था, तो शायद मैं भी यहाँ आके स्टे करती। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ये मंदिर है दोस्तों। तो आप भी अगर अयोध्या आते हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बिरला मंदिर के धर्मशाला में आइए। और यहाँ पे जो AC का रूम है वो आपको 1600-1700 रुपए के रेंज में मिल जाएगा, और सिंगल रूम जो है वो और सस्ते में मिल सकता है 700-800 रुपए में, तो जिसमें AC नहीं होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये मंदिर है, ये देखिए मंदिर है साथ साथ धर्मशाला है।
और साथ ही इसके यहाँ पे कैंटीन भी है। मेरे पीछे देखो यहाँ पे कैंटीन है, ये मंदिर है, मंदिर ये बहुत बड़ा है और इतने प्यारे प्यारे गार्डन हैं यहाँ पे, मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल नेचर की फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाली है। और आपको पता है जो रीना है, जो कि मैं हूँ, मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप लोगों को आज पूरा का पूरा जो वीडियो है इस मंदिर का दिखाने वाली हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये मंदिर है। यह है धर्मशाला जो कि है बिरला मंदिर की। देखिए कितनी खूबसूरत से ये धर्मशाला है और सामने इसके किचन है। ये देखो ये किचन है और ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, बहुत रिलैक्सिंग है यहाँ पे, मतलब रुक के तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये गार्डन है देखो, तो ये गार्डन देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये सामने है धर्मशाला, धर्मशाला की एंट्री देखो यहाँ से है, दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये यहाँ से है धर्मशाला की एंट्री, ये देखो ये है धर्मशाला की एंट्री। ये पूरा धर्मशाला बना हुआ है जो किसी होटल से कम नहीं है, बहुत अच्छी सर्विसेज भी है यहाँ पे। और ये है ब्यूटीफुल सा गार्डन, ये मेन एंट्रेंस है और ये अयोध्या के लिए सड़क जा रही है सीधा राम मंदिर के लिए और राम घाट के लिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा गार्डन है, मुझे तो इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, मन कर रहा है मैं यहीं रुक रह जाऊँ। मतलब जाते जाते भी हमें एक जन्नत का नज़ारा हो गया यहाँ पे, मतलब श्री राम जी की जय श्री राम, इतनी कृपा है राम जी की कि जाते जाते भी हमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, घूमने को मिल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे देखो फ्लावर ही फ्लावर है, तो मेरे पीछे पूरा फ्लावर का गार्डन है, मैं आपको दिखाती हूँ। डर भी लग रहा है कि बंदर जो मेरे हाथ से फ़ोन खींच के ना ले जाए, यहाँ बहुत सारे बंदर है, बहुत सारे, तो बंदरों से रहें बिल्कुल सावधान, वो आपके हाथ से सामान फ़ोन जो भी उनको मिलता है छीन के ले जा सकते हैं। तो बहुत डर लग रहा है मुझे वीडियो बनाते हुए कि कहीं आए और हाथ से फ़ोन ले जाएँ, तो बिल्कुल मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ। ये है दूसरा मंदिर यहाँ का, वो धर्मशाला थी और ये है मेन मंदिर, ब्यूटीफुल सा मंदिर है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो तो फ्रेंड देखिए ये है बिल्कुल नीचे से भरपूर बिरला मंदिर, और ये बिरला मंदिर है, ये है अयोध्या का। तो अयोध्या की तो हर मंदिर की बात ही अलग है, लोगों को अलग सा प्यार मिलता है, अलग से हैं सारे मंदिर, और मतलब बता नहीं सकती, राम जी की भूमि में आके लग रहा है कि यहीं बस जाएं और यहीं के हो जाएं, घर ना जाएं। बस शाम का हमारी वापसी है आज, तो मैंने कहा जाते जाते एक भव्य मंदिर आपको और दिखा दूँ। और पूरी सेवा ये लोग करते हैं यहाँ पर, पूरी सेवा चलती है। ब्यूटीफुल से मंदिर में मैं रेस्ट कर रही हूँ यहाँ बैठ के, भगवान का ध्यान करके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है। सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर है, वो तो आपने देख ही लिया है, मैंने दिखाया आपको, ये देखो कितने सुंदर सुंदर, मेरे पीछे फ्लावर देख रहे हो, ब्यूटीफुल से फ्लावर हैं। गर्मी से थोड़ा हालत ख़राब है, बट यहाँ पर हवा भी चल रही है, तो अभी दिन का टाइम है तो गेट तो हो रखा है बंद, शाम को खुलेंगे। और ये ब्यूटीफुल सा मंदिर है, मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, इन्जॉय करूँगी। तो फ्रेंड अब इसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर, तो अब हम थोड़ी देर करेंगे बस का वेट, फिर उसके बाद हम अपनी बस से दिल्ली वापस चले जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद, यहाँ पे इन्जॉय करने के बाद, थोड़े भजन कीर्तन में ध्यान लगाने के बाद हम खाना खाएँगे और फिर निकल जाएँगे। तो थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ फिर, है ना। A few moments later.
तो फ्रेंड नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है। रात भर हमने इंटरसिटी बस में सफ़र किया और अयोध्या से दिल्ली हम पहुंच चुके हैं। वो वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई थी, थक चुकी थी तो मैं सो गई। तो हम सीधा अब कैब में आगे घर जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया हमारे अयोध्या के ट्रिप में, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो जल्दी से रीना के संग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।